स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आसमानी कहर से थर थरा उठा तारीखी शहर बीजापुर। कल रात 9 से 11 बजे तक बीजापुर पर आसमानी कहर का नजारा देखने को मिला। तूफानी हवाओं, आसमानी बिजली के लरसते गरजते आवाजों और जोरदार बारिश से खौफ का माहौल बना हुआ था, जिससे आज दूसरे दिन भी हल्की सी बारिश के चलते बिजली की कटौती से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई अहम इलाकों में हरे भरे सदियों पुराने दरख्त तूफानी हवाओं और मौसलाधार बारिश के ताब ना लाकर गिर गए और चंद गिरने की कगार पर हैं। आदिलशाही दौर की कदीम पाड़खान मस्जिद को भी इन तूफानी हवाओं ने नहीं बख्शा, जिससे मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर मौजूद दो कदीम मीनार गिर गए। इसके करीब ही मौजूद सिकंदर स्कूल की पूरी छत उड़कर मस्जिद पर आ गिरी। 2 घंटे तक चले इस कुदरती कहर में कुदरत का करिश्मा के तरावी की नमाज के दौरान नमाजियों के करीब ही ये पूरा मामला होता रहा। किसी को बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ ये पूरी रिपोर्ट। तारीखी शहर बीजापुर में कल रात जो तूफ़ानी हवा और मौसलाधार बारिश शुरू हुई, तकरीबन 9:30 बजे रात में 9:30 बजे अचानक हवा की आंधी इतनी ज़ोरदार थी कि जिसमें कई घर के छत उड़ गए, कई स्कूलों के छत उड़ गए और हकीम चौक में जो एक शाही मस्जिद है, पाड़खान मस्जिद के जो ये शाही मीनारे आप जो देख रहे हैं, ये शाही मीनारे पूरी तरह से ढल गए और पूरा जो है नीचे मलबा गिरा हुआ है। तकरीबन 10 बजे के करीब जो अंदर तरावी की नमाज शुरू थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन अचानक ये जो मीनारे तकरीबन 10 फीट के मीनारे थे, हवा का ज़ोर बर्दाश्त न करते हुए ये मीनारे पूरी तरह से गिर गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मलबा गिरा हुआ है और उसके मस्जिद के याहते में साइड में जो है ये स्कूल है, ये सिकंदर उर्दू प्राइमरी स्कूल है जो आप नज़ारा देख रहे हैं। इसके पूरे छत जो है, पूरे के पूरे छत, जो क्लासरूम के छत हैं, पूरी तरह से इसके जो टिन ये पतरे थे, ये पतरे गिरे हुए हैं और ये पतरे आप देख सकते हैं यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर पर जो मस्जिद के छत पर जा गिरे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये टिन के पतरे जो देख रहे हैं, ये इसी स्कूल के हैं, इसी स्कूल की छत है जो पूरे एंगल के साथ जो है मस्जिद के छत पर जाकर गिरी। आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा का दबाव कितना ज़ोर था, पूरे मस्जिद पर की छत पर ये पतरे गिरे हैं। और यही स्कूल जो आप देख सकते हैं, यही स्कूल है, लेकिन किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। हवा तेज़ और बारिश होने के कारण हर कोई मस्जिद में बैठा हुआ था, लेकिन किसी का जानी नुकसान या कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इसमें इसके अंडर में ये जो पाड़खान मस्जिद आती है, शाही मस्जिद है जो पूरी खस्ता हालत में है, लेकिन बरसों कई दिनों से इसकी मरम्मत भी नहीं की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा मलबा जो है नीचे गिरा हुआ है, अब छत पर गिरा हुआ है, बाजू के छत पर, और वो शायद अरबी स्कूल है, मदरसा है। आप देख सकते हैं अरबी में जो पूरी तरह से छत पर ढले हुए हैं और ये पत्थर पूरे जो है अरबी मदरसा जहाँ पर चलता है मस्जिद का,
उस छत पर गिरे हैं, और ये पत्रे जो गिरे हुए हैं, पतरास जो गिरे हैं, छत जो गिरी है, ये बाजू स्कूल की छत हवा के ज़ोर से आकर मस्जिद के इहाते पर गिरी है। उस वक्त मैं आपको बता दूं कि मस्जिद के इसी सहन में तरावी की नमाज़ शुरू थी, लेकिन किसी को कोई चोट या किसी का जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। आप इस छत को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे फैन के साथ एंगल के साथ ये छत जो है बाजू स्कूल की छत पूरी तरह से मस्जिद पर गिरी है, और मस्जिद का एक मीनारा भी गिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जिद की छत पर मीनारा भी गिरा हुआ है। ये तीसरा मीनारा है, पहले दो मीनारे ये जो दो मीनारे हैं शाही मीनारे हैं, जो मस्जिद का फ्रंट गेट है पारखान मस्जिद हकीम चौक का, ये फ्रंट गेट है। ये शाही मीनारे पूरी तरह से यहाँ मलबा गिरा हुआ है, छत पर गिरे हैं, और उधर बाजू जो पीछे की तरफ यही मस्जिद का एक मीनारा पूरी तरह से जो है गिर गया है। अगर ये यहाँ पर कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी सहन में लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, जो छत गिरी है, छत पीछे से छत आकर इस मस्जिद पर गिरी है, इसी सहन में लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन किसी को कोई भी चोट नहीं आई है। मैं करीम मूसा, ये तकरीबन रात में 9:45 का 9:30 के बीच में ये हादसा हुआ। जो लोग जा रहे थे, हवा चल रही थी, अभी 3 रकात नमाज थी, तभी ये हादसा हुआ। और जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शाही इमारत का नुकसान हुआ है। जो शाही इमारत थी, ये पारखान मस्जिद है, जो शाही इमारत थी वो गिर गई है। और टेक्नोलॉजिकल जो छंटा गवर्नमेंट की जो रिपेयरिंग करती है वो टीम का, ये इसका तो नाम मालूम नहीं मुझे, लेकिन उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाही इमारत जितनी भी जगह है वो ज़रा रिपेयरिंग का ध्यान दें मेहरबानी करके। तो आप देख रहे हैं कि कल रात 9:30 से जो एक तूफ़ानी हवा और बारिश शुरू है, लेकिन अभी भी हल्की सी बूंदाबांदी शुरू है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। कल रात 9:00 के बाद जो एक तूफ़ानी आंधी और बारिश शुरू हुई, और सुबह हमने जब शहर का जायज़ा लिया तो ये जो है डीसी ऑफिस है, जिलाधिकारी की ऑफिस है, ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं कई दरख्त गिरे हुए हैं, और ये जो है ADLR ऑफिस है, ऑफिस के सामने जो दरख्त हैं वो पूरी तरह से गिर चुके हैं, और शहर में कई दरख्त गिरे हुए हैं और बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्किंग लॉन है, गाड़ियों का पार्किंग जो कर्नाटक सरकार की जो अधिकारियों के जो गाड़ियाँ ठहरते हैं उसके ऊपर, ठीक आप देख सकते हैं कि पार्किंग लॉन पूरी तरह से टूट चुका है, ऊपर दरख्त गिरा हुआ है, पार्किंग लॉन के ऊपर दरख्त गिरा है। अगर ये दरख्त गाड़ी पर गिरता तो पूरी गाड़ी जो है डैमेज हो सकती थी, लेकिन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई दरख्त हैं, तो ये दरख्त गिर चुके हैं, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ये दरख्त लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के जो एंट्रेंस गेट है, फर्स्ट गेट, यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से दरख्त गिर चुके हैं। ये जो एंट्रेंस गेट है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का एंट्रेंस गेट है, तो यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त लगाए गए थे, ये दरख्त जो है पूरी तरह से गिर चुके हैं। तो ये हमेशा जो है दिन में यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रात होने के सबब दिन में यहाँ पर ये बड़ा यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बारिश और तेज़ आंधी हवा जो है रात को आने के सबब किसी को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं पूरी तरह से ये दरख्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो जितने भी दरख्त लगे हैं वो दरख्त जो है पूरी तरह से गिरे हुए हैं। कल रात से ही शहर में बिजली बंद कर दी गई है,
ये हाई पोटेशन वायर वायरों पर जो दरख्त गिरे हैं और कई इलेक्ट्रिक पोल गिरे हैं और किसी को अब तक जो है किसी के घायल होने या किसी जानी नुकसान होने की खबर हमें अब तक नहीं मिली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टहनी गिरने से ये इलेक्ट्रिक पोल पूरी तरह से जो झुका हुआ है, इतने डेंजर हालत में है, झुका हुआ है, ना मालूम ये कब गिरेगा, लेकिन अगर गिरता है तो ये पूरे जो है दुकानों पर गिरेगा। आप देख सकते हैं टहनी गिरने की वजह से इलेक्ट्रिक पोल पूरी तरह से झुका हुआ है। और मेरे सामने भी आप देख सकते हैं ये तहसीलदार ऑफिस सामने और मेन इंट्रेंस डीसी ऑफिस के मेन इंट्रेंस के कमान के बाजू में जो होटल है, होटल भी जो है पूरी तरह से होटल की छत जो है हवा में उड़ चुकी है। ये जो है अंबेडकर सर्कल, अंबेडकर सर्कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जाने का ये रोड है। ये रोड हमेशा लोगों का यहाँ पर आना जाना हमेशा लगा रहता है। आप यहाँ पर ठीक आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दरख्त की टहनी जो है टूट कर केबल के सपोर्ट पर ठहरी हुई है। जो केबल वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर है तो उस केबल पर उस केबल के सपोर्ट पर वो पूरी टहनी, बहुत बड़ी टहनी ठहरी हुई है। लेकिन अभी तक यहाँ से लोग आना जाना अभी तक लोगों का लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत डेंजर हालत में है। आप देख सकते हैं कि ये टहनी अगर गिरती है तो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर ही गिरती है और इससे जान जाने का, जानी नुकसान होने का बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन प्रशासन अभी इस रोड को, शायद प्रशासन की नज़र इस पर पड़ी है या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक इस रोड को ब्लॉक नहीं किया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत हमें दे रहा है कि ये टहनी बहुत बड़ी टहनी है जो सिर्फ जो है केबल के सहारे ठहरी हुई है, टूटकर जो है इलेक्ट्रिक केबल के सहारे ठहरी हुई है। और ये इलेक्ट्रिक पोल भी बाजू है और हाई प्रोटेक्शन वायर भी हैं, लेकिन शायद अगर वो टहनी गिरती है तो इलेक्ट्रिक पोल भी पूरी तरह से गिरेगा। लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं है, पता नहीं चल रहा है। लोगों की आम लोगों की नज़र भी उस टहनी पर नहीं पड़ रही है। लोग ऐसे ही लोगों का आना जाना लगा है, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। यात्री मस्जिद के पास हुआ था कल रात को 9:30 बजे। यहाँ ऑटो कार वो सब बहुत लगते हैं। अगर दिन में हुआ रहता तो बहुत टेंशन होता था पब्लिक को। ये रात में हुआ, गाड़ियाँ वो नहीं आते, बहुत अच्छा हुआ। और बीजापुर में बहुत खतरनाक हवा छूटी थी और ऐसा हादसा होने से बच गया सर। आप ये जो दरख्त गिरे हैं आप खुद इसको उठाकर? हाँ, खुद हम सब ऑटो वाले हो। अभी तक कोई नहीं, कोई कुछ आए नहीं सर। हम सब ऑटो वाले वो मिल के सब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हवा बहुत छूटी थी कल रात में सर, गरीबों का बहुत नुकसान हुए, पत्रे वगैरह उड़ गए, फिर इधर उधर झाड़ पड़े। अभी तक बिजली का नहीं है भरोसा, बिजली आई नहीं, फिर बिजली आना चाहिए, बहुत जनों को तकलीफ है। फिर राहत कुर्सी राहत मिली नहीं, फोन आके प्रशासन पूछा नहीं अभी तक। तो कल रात का ये जो बहुत ही दिल को दहलाने वाला हादसा हुआ, जो तूफानी आंधी और बारिश के सबब पूरी तरह से शहर जो है स्थगित हुआ है। और यहाँ पर जो है हमने शहर का जब जायज़ा लिया तो हर जगह पर जो है
بڑے بڑے درخت گرے ہوئے ہیں اور اب تک بجلی بند کر دی گئی ہے، لیکن اب تک جو ہے میں کسی کے جانی نقصان ہونے کی خبر ہمیں نہیں آئی ہے۔ کیمرامین پرشانت کے ساتھ میں خورشید عالم، بی نیوز نیشن، بیجاپور۔ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن۔نیوز نیشن کے لیٹسٹ نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بی نیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹسٹ نیوزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔